हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द चैनल सेल्फिक्स मास्टर्स। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने बाइक की चैन को किस तरह से ल्यूब्रिकेट कर सकते हैं। देखिए, बाइक की चैन को ल्यूब्रिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे ना केवल आपकी बाइक की पावर बढ़ती है बल्कि आपकी बाइक का माइलेज भी सही हो जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आप अपने बाइक की चैन को अपने आप अपने घर पर ही ल्यूब्रिकेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये मेरी बाइक है जो कि एक 150 सीसी बाइक है। मुझे जनरली इससे 50 टू 60 का माइलेज मिल जाता है, सिटी में 50 टू 55, और अगर लॉन्ग रूट में जाता हूँ मैं तो मुझे 55 टू 60 भी मिल जाता है। अधिकांश लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते, पर ये सच है। और उसके पीछे कारण है कि मैं इसको प्रॉपर मेंटेन करता हूँ। तो आइए देखते हैं कि आपको चैन को लुब्रिकेट कैसे करना है। देखिए, ये आ गए हम चैन स्पॉकेट एरिया पे, और अब आप क्या करेंगे, टी स्पैनर लेंगे और अपने इस चैन स्पॉकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, चैन को लुब्रिकेट करने के लिए सबसे अच्छी जगह होती है उसका फ्रंट स्पॉकेट। अगर आप किसी और एरिया पे करेंगे तो उससे समस्या ये होती है कि अगर आपकी चैन सील्ड है, सील्ड का मतलब जैसे देखिए इसमें ये इस बाइक में क्या है कि चैन बिल्कुल क्लोज है। आजकल जो बाइकें आ रही हैं उनमें ओपन चैन दी हुई है। ठीक है, अब अगर बाइक सील्ड है मतलब क्लोज है तो आप पीछे से वैसे भी लुब्रिकेट नहीं कर सकते हैं, आपको आगे से करना होगा। लेकिन अगर आपकी पीछे चैन ओपन है तो आप पीछे से कर तो सकते हैं, लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है कि आप जब लुब्रिकेट करेंगे तो कुछ ना कुछ जो ड्रॉप हैं ऑयल की वो आपकी रियर डिस्क पे चली जाती हैं, और उस वजह से क्या होता है कि हमारा जो रियर ब्रेक है उसकी इफ़िशियंसी कम हो जाती है। तो देखिए, ये स्पॉकेट हमारा खुल गया है। स्पॉकेट खुलने के बाद कुछ इस तरह की एरिया आ जाती है। देखिए, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि चैन को लुब्रिकेट करना कैसे होता है। लेकिन चैन के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है सेंट्रल पार्ट और दूसरा पार्ट होता है एजेस पार्ट, जिसे हम लोग पार्ट भी कहते हैं। अब हम लोग अक्सर गलतियां क्या करते हैं कि जो हम ऑयलिंग करते हैं वो केवल सेंट्रल पार्ट पर कर देते हैं, जबकि जो ज़्यादा ज़रूरी ऑयलिंग होती है वो होती है एजेस पर, जहाँ करके ये लॉक होते हैं। तो अब मैं ये दिखाने की कोशिश करूँगा, आप ध्यान देना कि किस तरह से हमें इस पर करनी है ऑयलिंग। देखिए, आप सबसे पहले क्या करेंगे कि चैन का लॉक ढूंढ लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ पर एक पूरा चक्कर हो गया है। हमने क्या किया कि चैन का ये लॉक ढूंढ लिया है। ठीक है, ये आ गया हमारा चैन का लॉक। अब हम क्या करेंगे कि हम ऑयलिंग तीन पार्ट में करेंगे। सबसे पहले हम ये अंदर वाले पार्ट की करेंगे, फिर आउटर एज की, और फिर सेंट्रल पार्ट की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरे पास में एक बोतल है। मैंने मार्केट में बहुत सारी बोतल ढूंढी, लेकिन जो सबसे अच्छी बोतल मिली ये क्या बोतल है, ये फेविकोल जो आता है वो जब एम्प्टी हो जाती है उस बोतल को क्लीन करके यूज़ किया गया है। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और इसकी आगे जो ये नोब है ये भी लास्ट तक डैमेज नहीं होती। तो चलिए शुरू करते हैं। अब करना क्या है, आपने एक हाथ में बोतल पकड़नी है और दूसरे हाथ से बाइक को न्यूट्रल में करके थोड़ा थोड़ा सा आपने रियर व्हील को रोटेट करना है। और रोटेट करते हुए हाथ से क्यों करना है, स्टार्ट नहीं करना है। स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपकी उंगली इस पॉकेट में आ सकती है, और वो भी हम इस डायरेक्शन में नहीं रोटेट करेंगे, हम करेंगे इस डायरेक्शन में, ताकि डैमेज होने की बिल्कुल पॉसिबिलिटी ना करें और उसके ऊपर के पार्ट से हम ऑयलिंग करना शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखें, ये हमने इसको इंटरनल एज पे रख लिया है और धीरे धीरे हम इसको प्रेस करेंगे और धीरे धीरे इसको रोटेट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं।
अब आप ध्यान दीजिएगा कि जो एक फ्लो है ऑयल का वो अंदर वाली एज पर लग रहा है, जहाँ की अंदर की साइड लोक जुड़े रहते हैं। धीरे धीरे हम इसको रोटेट करते रहते हैं और धीरे धीरे एक जो फ्लो है वो चलता रहता है हमारा, ठीक है। यही एक सही प्रोसेस होती है जिसको अधिकांश लोग नहीं करते हैं और इसीलिए वो ऑयलिंग करने के बाद भी उनकी चैन पूरी तरह से लुब्रिकेट नहीं हो पाती है। अब ये देखिए, ये हमारा यहाँ लॉक आ गया है, इसका मतलब चैन का एक साइकिल पूरा हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे आउटर एज पे, मतलब इस वाली एज पर, ठीक है। ये इंटरनल एज, ये आउटर एज और ये सेंट्रल पार्ट, ठीक। अब हम क्या करेंगे, फिर से उसी तरह से एक फ्लो होगा ऑयल का और धीरे धीरे इसको रोटेट करेंगे। ये देखिए ऑयल का एक फ्लो है और वो फ्लो ठीक आउटर एज पर लग रहा है, सेंट्रल पार्ट पर नहीं, अर्थात जहाँ एक लोग दूसरे लोग से जुड़ा रहता है वहां पर। दूसरे हाथ से मैं पिछले व्हील को धीरे धीरे रोटेट कर रहा हूँ। गाड़ी ना ही तो स्टार्ट है ना ही गियर में है, न्यूट्रल है, और हमने चैन को इस तरह से रोटेट करना है कि वो पीछे जाए, उससे हमारा डैमेज होने का खतरा कम हो जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि फिंगर दब जाती है हमारी और उसके कट लगने का खतरा हो जाता है, ठीक है। अब ये देखिए लॉक आ गया, इसका मतलब एक साइकिल पूरा हो चुका है। हम इंटरनल एज को भी कर चुके हैं और आउटर एज को भी, अब सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल में हम हल्का सा ऑयल लगाएंगे और उसको थोड़ा तेजी से रोटेट कर देंगे, ठीक है। ये हमने रोटेट कर दिया और थोड़ा थोड़ा सेंट्रल पार्ट को भी ऑयल कर दिया है। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ये जो लॉक होते हैं, ये आप देख रहे होंगे कि जब भी ये चाहे पिछले स्पॉकेट पे जाता है या फ्रंट स्पॉकेट पे, इसमें मोशन होती है, अर्थात ये बेंड होता है और बेंड होने से फ्रिक्शन क्रिएट होता है और उसी फ्रिक्शन को हमने ख़त्म करना है। इसीलिए जो ऑयलिंग है वो इंटरनल और आउटर एजेस पे की जाती है। सेंट्रल पार्ट में ऑयलिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, सेंट्रल पार्ट में केवल इतना रोल है कि जहाँ ये स्पॉकेट से टच करता है वो एरिया सेंट्रल पार्ट से टच होती है, तो वहाँ हल्का सा फ्रिक्शन क्रिएट होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ऑयल वहाँ भी नेसेसरी है। लेकिन जो प्रॉपर लुब्रिकेशन है वो इंटरनल और आउटर जहाँ ये एजेस होती हैं वहाँ ज़रूरी है। तो इस तरह से आपने 3 स्टेप्स में ऑयलिंग करना है, फर्स्ट इंटरनल एजेस, सेकेंड आउटर एजेस और फिर थर्ड पर सेंटर पार्ट। एक धीरे धीरे रोटेट करना है और उस समय आपकी जो ऑयल है वो धीरे धीरे निकलता रहना चाहिए, ठीक है, ताकि हर एक जॉइंट पे प्रॉपरली ऑयल चला जाए। इसे करने के बाद आप थोड़ा सा इसको रोटेट करेंगे, रोटेट करने से क्या है वो ठीक से ऑयल सर्कुलेट हो जाएगा और ये आपका ऑयलिंग डन हो गया है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा हार्ड प्रोसेस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है। अब हम इस पॉकेट को बंद कर देते हैं। ये हमने लगा दिया है, इस बाइक में मीटर वायर नहीं है, इसी से ही स्पीड को मेज़र करता है। ये हमने इस पॉकेट लगा दिया है और ये हमने इसके नटों को लगा दिया, ठीक है। अब इसको बंद कर देते हैं, बंद करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए बॉक्स हो चुका है बंद और हमारा काम फिनिश हो चुका है, ऑयलिंग हमारी हो चुकी है। अब होगा ये कि अगले 1-2 राइड में थोड़ा जो एक्सेस ऑयल है वो चैन से निकलता है और वो गिरेगा। तो आप इसलिए ऐसा कर सकते हैं कि जब स्टैंड पे बाइक को खड़ी करें उस समय एक न्यूज़पेपर रख दें, ऐसा 1-2 राइड नहीं होगा, उसके बाद जो एक्सेस ऑयल होता है वो निकल जाता है और जो नेसेसरी ऑयल है वो चैन पर लगा रह जाता है। रेनी सीजन में आपको लगभग एवरी 15 डेज पर चैन को लुब्रिकेट करना ज़रूरी होता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है कि मैं आपको आपके लिए और भी कोई ज़रूरी जानकारी की वीडियो बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक किसी वीडियो में।